नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले कि यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो बिहार में जमीन सर्वे के लेकर के अभी जोर शोर से बातें चल रहा है। बहुत जगह पे सर्वे हो भी रहा है, बहुत जगह पे तैयारी चल रहा है। तो ऐसे में यदि आप भी अपने जमीन का कुछ भी डिटेल्स निकालना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, बिहार सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, इस पोर्टल का आप इस्तेमाल कैसे कीजिएगा, आईडी पासवर्ड कैसे बनाइएगा, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर में जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके किस काम के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाले। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो दोस्तों आप सभी को मैं सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको बिहार भूमि लिख करके सर्च करना। जैसे बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, इस तरीके से एक पॉपअप नोटिफिकेशन मेन्यू दिखाई देगा, इसको आपको बंद कर देना है। जैसे आप क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे आप बिहार भूमि सुधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप आ चुके हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप जो इसे ज़मीन खरीदते हैं तो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ज़मीन का रसीद निकाल सकते हैं, जमाबंदी देख सकते हैं। उसके अलावा यदि मान के चलिए कि कोई भी अगर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज करवा रहा है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। इस तरीके से इस वेबसाइट के माध्यम से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में है, किसी भी तरीके का इसमें आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि आप अपना ज़मीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दाखिल खारिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, तो सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर जो पेज रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको अपना आईडी और पासवर्ड देने के लिए बोला जा रहा है। उससे पहले आप सभी के पास में तो आईडी पासवर्ड अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे आप जो है अपने नाम से आईडी बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, वो कैटेगरी जो है आधार नंबर, मोबाइल, उसके बाद फिर यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर, रिलेशन विथ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद फिर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एड्रेस देना, टाउन देना, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर नो के ऊपर में क्लिक करना है। आपके दिए गए मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे वेरीफाई कीजिएगा, इसमें आपका आईडी बन जाएगा। एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आप अपने नाम से अगर आईडी बना लिए हैं तो किसी दूसरे का भी इसमें आप जो है दाखिल खारिज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड बना लेते हैं, ऑलरेडी हम पहले से बनाए हुए, इस तरीके से फिर से आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे नीचे में जितना भी सर्विस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे सर्विस है जिसमें कि आप बिना लॉगिन का भी आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सर्विस रहे जिसको आपको लॉगिन करना होगा तब जा कर के आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मोबाइल नंबर जो कैप्चा है वो, और यहाँ पर आपको साइन इन के ऊपर में क्लिक कर देना। आपके मोबाइल पे ओटीपी क्या होगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म के ऊपर में क्लिक कर देना। और जैसे आप ओटीपी कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जिस नाम से आप अपना आईडी बनाए थे वो नाम आप सभी को यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज, यदि आप ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दाखिल खारिज करना चाहते हैं, जैसे किसी से ज़मीन लिए हैं आप अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी दूसरे आदमी से, तो यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जिला, अंचल, नया दाखिल खारिज इस तरीके से आपको करना है। तो ये सब स्टेप हम बारी बारी से भी एक सीरीज टाइप का चलाने वाले बिहार भूमि सुधार के लेकर के। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। पूरा डिटेल्स में आप सभी के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप डेली एक वीडियो आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप सभी को बता दिए, दूसरा स्टेप है यहाँ पे दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन स्थिति। आप जो भी दाखिल खारिज किए हैं, यदि आपको कैश नंबर मिलता है तो आप यहां से अपने आवेदन का स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, आपका जो दाखिल खारिज है वो रिजेक्ट हुआ या फिर कंफर्म हुआ या फिर क्या स्टेटस है, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे ऑनलाइन एलपीसी आवेदन, तो यहां पे एलपीसी के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। एलपीसी क्या होता है शॉर्ट में आप सभी को बताना चाहता हूँ। जैसे आपका ज़मीन का रसीद है, तो जैसे आपका 10 ज़मीन का रसीद है, 10 अलग अलग ज़मीन का रसीद करता है, तो आप जो है एलपीसी अप्लाई कीजिएगा, उसमें 10 ज़मीन का एक ही आपका जो एलपीसी बन जाएगा, सारा नंबर उस पर चढ़ा हुआ रहता है, जो कि जो ज़मीन का रसीद होता है उससे ज़्यादा वैल्यूबल आपका जो एलपीसी होता है। एलपीसी का काम बहुत जगह पे, जैसे कि कृषि से रिलेटेड कुछ भी अगर आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पर आपका एलपीसी लगता है, फिर लोन वगैरह लेने के लिए भी आपको एलपीसी का ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि एलपीसी आवेदन स्थिति, जो भी आवेदन कीजिएगा उसका आप कुछ दिनों के बाद स्थिति भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे नीचे ले ऑप्शन में आइएगा ऑनलाइन भुगतान करें। यदि आप अपनी ज़मीन का रसीद काटना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन भुगतान के ऊपर में क्लिक कर देना है। ऑनलाइन भुगतान के ऊपर में जैसे आप क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान के ऊपर में क्लिक करके आप जिला अंचल यहाँ पे फिर हल्का उसके बाद मोजा, अब यहाँ पे भाग पृष्ठ से भी खोल सकते हैं, रहित के नाम से भी खोल सकते हैं, खेसरा नंबर से भी खोल सकते हैं, खाता नंबर से भी, जमाबंदी से भी, या फिर अगर आपका कंप्यूटर कृत जमाबंदी नंबर है उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मेन जो है ये आपका जिला अंचल आगे बढ़े और यहाँ पे हल्का मोजा, इतना चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे में जो ऑप्शन सब दिया हुआ है इसमें से किसी भी एक ऑप्शन का आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका यहाँ पे कैप्चा देना है और यहाँ पे खोजे के ऊपर में क्लिक कर देना। आप सभी को यहाँ पे इसका डिटेल्स देखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ से ज़मीन का रसीद निकाल सकते हैं। अब परिमार्जन हेतु आवेदन, यदि आपका जो खाता खेसरा नंबर कुछ भी नाम में कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ से परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सुधार के लिए ये करने के लिए ऑप्शन है। अब यहाँ पे जमाबंदी देखें किसके नाम से जमाबंदी चल रहा है, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिला अंचल प्रोसेड, फिर यहाँ पे मोजा, अब यहाँ पे ठीक उसी तरीके से जैसे अभी बताए ये जो ऑप्शन है, चाहे भाग पृष्ठ या फिर रेत का नाम से, खाता खेसरा के नाम से, यहाँ पे जो भी डिटेल्स देना चाहते हो वो आपको देना है। उसके बाद फिर जो कैप्चा वो और सर्च के ऊपर में क्लिक कर देना, यहाँ पे आपके ज़मीन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें। आपके ज़मीन का जो नंबर कोई यूज कर रहा है या फिर गलत तरीके से अवैध तरीके से दाखिल खारिज करवा रहा है उसको आप रोक सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे ऑप्शन रहता है रोकने का, तो यहाँ से आप रोक सकते हैं। तो डिटेल्स हम आगे बात करेंगे, अभी शॉर्ट में आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें। यदि आप अपने ज़मीन में आधार नंबर और मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए SMS अलर्ट सेवा प्राप्त करें, ये ऑप्शन है। खास सोचना होता है जब भी ज़मीन किसी का दाखिल खारिज होता है तो वो 10 से 11 दिन के अंतराल में ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे उसका डिटेल्स रहता है कि ये आदमी जो है ज़मीन का दाखिल खारिज करवा रहा है। यदि किसी को आपत्ति लगाना है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। यहाँ पे चेक अप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टेटस, यहाँ से आप जो है सिक्योरिटी स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका जो राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर है तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे रिसबमिटेड एप्लीकेशन रिवर्टेड, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अंचल अधिकारी द्वारा लौटाए गए आवेदन की सूची, यदि कुछ भी अगर आपको लौटा दिया जाता तो उसका डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया कि बिहार राज्य का जो ज़मीन वाला वेबसाइट है उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें अपना ID पासवर्ड बना सकते हैं, किस ऑप्शन का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।